पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये हम लोग लिख तो देते हैं लेकिन हमें इन सारे कीवर्ड्स का मतलब अच्छे से पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेन मेथड होता क्या है और ये सारे जो कीवर्ड्स है एक्चुअली हम लोग लिखते क्यों है। बेसिकली मेन मेथड होता है हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। कभी भी हम लोग जावा प्रोग्राम लिखते हैं वो हमेशा उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेन मेथड होता है। बिना मेन मेथड का जेवीएम जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो जैसे हम लोग ने बात किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो हर एक कीवर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझते हैं। तो हमने देखा मेन मेथड हम लोग का हो गया एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम, जिसे कौन कॉल करता है, जेवीएम कॉल करता है। तो जेवीएम अगर मेन मेथड को कॉल करेगा तो उसे पब्लिक होना चाहिए क्योंकि जेवीएम उसे आराम से कहीं से भी कॉल कर पाए। नेक्स्ट स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉमन टू ए क्लास। मतलब मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ जो स्टैटिक है। तो इसीलिए मेन मेथड को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं क्योंकि क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली जेवीएम उसे कॉल कर पाएगा। नेक्स्ट वॉइड, वॉइड का मतलब हमें पता है कि वॉइड कुछ रिटर्न जब हम लोग नहीं करते हैं तब हम लोग वॉइड डिक्लेयर करते हैं। तो मेन मेथड हम लोग का कुछ कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। रिटर्न अगर करेगा तो उसे जेवीएम रीड करके करेगा क्या? तो जेवीएम नहीं चाहता है कि भाई मेन मेथड तुम मुझे कुछ रिटर्न करो। तो इसीलिए मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो है वॉइड। अब जो मेन है उसका नाम मेन ही क्यों है? क्या आप उसका नाम कुछ और नहीं दे सकते? तो ये जो नाम है वो जेवीएम के अंदर ऑलरेडी कन्फिगर्ड है कि भाई तो तुम्हें जो मेथड कॉल करना है वो है मेन मेथड, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और विथ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अब अगर मैं उसका नाम ही चेंज कर दूंगा तो जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसे मैं अपना मेन मेथड बनाया हूँ? लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, मैं उस नाम को चेंज भी कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेवीएम के अंदर जाके उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करके अपना मेन मेथड का नाम चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, तो ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगर हम लोग को प्रोग्राम रन करते टाइम कोई भी आर्ग्यूमेंट भेजना है तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको चार डिफरेंट तरीके दिख रहे हैं मेन मेथड लिखने का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस और स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एक्स। यहाँ पे कौन सा वाला मेथड वैलिड है वो बताइए। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे वैलिड है। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है जाके खुद चेक करो, ये सारे के सारे तरीके वैलिड है। हम लोग किसी भी तरीके से मेन मेथड लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया मेन मेथड हम लोग का एंट्री पॉइंट होता है कोई भी जावा प्रोग्राम के लिए, लेकिन अगर हम लोग के पास प्रोग्राम में मेन मेथड है ही नहीं तो क्या होगा? तो कमेंट करिए इसका आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।